खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से है, जहां खेत में चारा लेने जा रही किशोरी को एक युवक ने बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन किशोरी जैसे तैसे दबंग के कब्जे से बचकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल मामला सुरीर कोतवाली इलाके के एक गांव का है, जहां गांव का एक युवक अपनी पत्नी के साथ चारा लेने के लिए खेत में गया था और पीछे से उसकी बेटी घास लेने के लिए आ रही थी। तभी गांव के ही एक युवक ने किशोरी को बहला फुसला कर खेत में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन किशोरी ने हिम्मत दिखाई और आरोपी के कब्जे से बचकर घर पहुंची। किशोरी ने घर आकर आपबीती परिजनों को बताई। परिजनों ने थाने में तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम आए थे इंस्पेक्टर साहब के पास जी, ये हमारे चाचा की लड़की जी, एक लड़का है मुनीस जी, दो ही को है वो, बाकी पिता का नाम जयपाल है जी। तो वह लड़का ने वो चाचा चाची में नियार काट रही, लड़की लेने गई तो चाचा ने वो लड़की बहका के लड़की से बोलो कि तेरे चाचा चाची हमारे खेत में लग रहे हैं पल्ला पल्ला तिले बाला। जैसी लड़की मुड़ के गई है, थोड़ी सी आगे बढ़ी है, तो वह लड़का ने पीछे से जेट भर के लड़की की तो बुर्दी में डाल ली वह लड़का ने। तो वो बड़ी मुश्किल थे कैसे अपनी जान बचा के आई है पाने, बाकी मैं कहना ना चाहती वह बात है। बहुत उल्टो सीधो हिसाब किताब से हाथ पाठ डालें तो जी समझ लो, रिपोर्ट लिखवाए गए हैं।